नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ्रॉनिक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर आज रिलायंस पावर लिमिटेड और क्वार्टर फोर रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा आया उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको अपडेशन मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, एवरी वन नोस के रिलायंस जो अनिल अंबानी का ग्रुप है, जो रिलायंस पावर है, और बाकी रिलायंस लाइफ, जो भी अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनी घाटे में चल रही है। बट मार्केट को अभी सस्टेन कर पा रहा है ओनली आर पावर, जो थोड़ा बहुत इस वर्थ के अंदर काम कर रहा है। रिलायंस इस रिलायंस ग्रुप के आर पावर ने थोड़ी बहुत वर्थ अपनी बचा रखी है। तो अब देखिए, इसका आज क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट कैसा रहा है इन सब के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं आर पावर के बारे में। पावर के नाम से समझ आ रहा, हाँ, पावर जनरेशन के अंदर कंपनी काम करती है। तो समझते हैं इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा है वो समझते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, 13 मई 2022 आज के दिन इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया। तो देखिए, कंपनी का किसी भी तरह कोई अपडेशन नहीं डिविडेंड की, और ये रिजल्ट जो निकल के आया वो शाम के 7:20 पर आया। तो रिजल्ट आपको आउटकम पूरा अभी 8 बजे तक पूरा अपडेशन देखने को मिला है हमारे को। तो इनकी अर्निंग्स देखते हैं, तो देखिए इनकी अर्निंग्स जो आई हैं वो लैक्स में आई है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके समझते हैं कैसा रहा इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड आपको NSE BSE दोनों पर रजिस्टर्ड है कंपनी। तो आज की डेट इसमें मार्केट कैप है 4,250 करोड़ रुपये का। स्टॉक ROC इसका चल रहा है 4.85% का। बुक वैल्यू इसकी 36 रुपये की। रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी तक कंपनी ने दिया हमारे को माइनस में 4.94% का। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अब देखिए, इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.35 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। कैसा रहा इसका क्वार्टर फोर जो समझते हैं। देखिए, मार्च 2022 इस क्वार्टर में आज के दिन इसकी सेल हुई है टोटल 1,840 करोड़ रुपये की, और ऑपरेशन प्रॉफिट निकल के आया इनको 182 करोड़ रुपये का। तो नेट प्रॉफिट इनको आया माइनस में 555 करोड़ रुपये का। देखेंगे आप, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ चुका है इन पर, कर्जा जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ा है इस क्वार्टर में, और डेप्रिसिएशन भी वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, घटता हुआ नजर आया, बट इंटरेस्ट में बढ़ावा देखने को मिली इस क्वार्टर में। अब देखिए, इनका अर्निंग पर शेयर है वो आया है इस क्वार्टर में 1.63% माइनस में आया, 1.63 यानी 1.63 माइनस में आया है। लास्ट क्वार्टर से कंपेरिजन करते हैं, देखिए दिसंबर 2021, तो लास्ट क्वार्टर सेल थी 1,796 करोड़, वो बढ़ के हुई है 1,846 करोड़। तो क्वार्टर क्वार्टर सेल में बढ़ा देखने को मिली है। ऑपरेशन प्रॉफिट हमारा 829 करोड़ था, वो घट के हुआ है 182 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा घटा देखने को मिली ऑपरेशन प्रॉफिट में। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट हमारा लास्ट क्वार्टर माइनस में 14 करोड़ था, वो बढ़ के हुआ माइनस में 555 करोड़ रुपये का। अर्निंग पर शेयर भी हमारा माइनस में 0.04 था, वो बढ़ के हुआ 1.63। तो अच्छी खासी मुनाफे घाटे पे और घाटा देखने को मिला हमें क्वार्टर क्वार्टर वाइज। सेल में तो बढ़त देखने को मिली है, बट ऑपरेशन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर इन्हीं के अंदर अच्छी खासी घटत देखने को मिली हमें क्वार्टर क्वार्टर वाइज। अब देखिए, मार्च 2021, तो मार्च लास्ट ईयर सेल थी हमारी इस कंपनी की 1,655 करोड़, वो बढ़ के हुई है 1,846 करोड़। ऑपरेशन प्रॉफिट 852 करोड़ था, वो घट के हुआ 182 करोड़। नेट प्रॉफिट हमारा 73 करोड़ था, वो घट के हुआ माइनस में 555 करोड़। और अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में था 0.26, वो घट के हुआ माइनस में 1.63। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ, सेल में तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है आपको क्वार्टर क्वार्टर वाई और ईयर वाई, बट जो हमारे लिए मेन होता है अर्निंग पर शेयर और नेट नेट प्रॉफिट, उसमें अच्छी खासी घटत देखने को मिली है, और मुनाफा भी घाटा भी इतना तगड़ा हुआ है, घाटा देखने वाला है 555 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला। 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं, मार्च 2020 के अंदर एक घाटा हुआ था 4,206 करोड़ था, वो अब 2022 में यानी 2 साल बाद वो इतना बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है हमारे को। तो रिजल्ट तो आए ख़राब, कि रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको अब जब भी मार्केट ओपन होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा, और शेयर के अंदर गिरावट शायद लोअर सर्किट भी लगता नज़र आएगा। अब देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो मार्च 2022 इस क्वार्टर में भी सेम है, प्रमोटर होल्डिंग 24.98 वो सेम है, और साथ ही साथ आप देखेंगे FIS की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 4.92 थे, उन्होंने बढ़ा के 5.95 कर दिया, तो FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। साथ ही साथ DIS की होल्डिंग सेम है 3.50 वो सेम है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है 0.01, और पब्लिक की होल्डिंग 65.57।
तो ये चीज़ देखने को मिली है हमारे को। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिली, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये देखने को मिल रही है। बट कंपनी को जो घाटा हुआ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमें ईयर वाइज, क्वार्टर क्वार्टर वाइज। अब देखिए आज के दिन ये बाजार के अंदर, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया वो मार्केट बंद होने के बाद है, जब मार्केट ओपन थी तो आज के दिन ये शेयर 0.040% की तेजी लगा के बंद हुआ। तो आज देखेंगे आप तो आज ही ओपन होता है 12.60 रुपये पे, हाई मारा इसने 12.95 रुपये का, लो मारा इसने 12.40 रुपये का, 52 हाई है इसका 19.25 रुपये का, 52 है इसका 6.45 रुपये का। 5 दिन के अंदर तक इसने हमारे को 2.5% गिरावट दिखा चुका है, 1 मंथ के अंदर 13.5% गिर चुका है, 6 मंथ के अंदर 9.5% गिर चुका है, ईयर टू डेट के अंदर भी 12.5% ये गिर चुका है। तो क्योंकि गिरावट का सिलसिला इसमें काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और शेयर एक अलग ही टेरिटरी के अंदर फंसा हुआ है, यानी 10 रुपये से लेकर 14 रुपये के बीच में काफ़ी टाइम से इन्हें सस्टेन करा है अपने आप को। बट देखिए अब यहाँ पे क्या एक सपोर्ट देखने को मिल रही है हमारे को, अब ये जब अब गिरेगा यहाँ से शेयर, तो अब मुझे लगता है ये आपको 10 रुपये के लेवल के जल्दी देखता नज़र आएगा यहाँ से। देखिए इसमें तो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि ये शेयर ना तो बढ़ रहा है 10 रुपये और 13-14 के बीच में फंसा हुआ काफ़ी टाइम से, और जिस तरह से इसका रिजल्ट ख़राब देखने को मिला है तो इसका इम्पैक्ट आपको जब भी मार्केट ओपन उस दिन देखने को मिलेगा। अब शेयर के अंदर और ज़्यादा बिकवाली होगी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, अब ये 10 रुपये के नीचे भी ट्रेड करता नज़र आएगा आपको, 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में जाता हुआ नज़र आएगा आपको यहाँ से शेयर के अंदर। तो आर पावर को आपको अभी तो आपको अवॉइड करना है, फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर छोटे मोटे घाटे में तो निकल जाइए, अगर मुनाफे में तो भी निकल जाइए सही समय आएगा जब इसमें बाय का रिकमेंड फिर से दिया जाएगा आपको, बट अभी के लिए आपको अवॉइड करना है और अभी के लिए आपको इसमें से निकलना है और बिल्कुल भी इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।